नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत बढ़िया तरीके से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम एमपी पुलिस कांस्टेबल 12 अगस्त की सेकंड शिफ्ट का भाई प्रॉपर एनालिसिस करने वाले हैं। आपको मैं सभी टॉपिक बताने वाली, कौन कौन से टॉपिक यहाँ पे आए हैं, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, साइंस हो गया, आपका जीके जीएस एमपी हिस्ट्री पॉलिटिक्स और आपका इकोनॉमिक्स में कौन कौन से वो क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, हर एक चीज के ऊपर मैं बात करने वाले आपका आने वाले शिफ्ट में एग्जाम है। तो भाई इस वीडियो से आपको सीधे फायदा देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम भाई 12 अगस्त की सेकंड शिफ्ट की वो सभी टॉपिक कवर करेंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं और कौन कौन से टॉपिक आपके आने वाले शिफ्ट में पूछे जा सकते हैं, हर एक चीज़ पर बात करने वाले हैं। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं स्टडी पॉइंट ब्लॉग बन के नाम से, जहाँ पे आपको पीडीएफ और नोट्स बहुत सारे प्रोवाइड होते हैं। इस क्लास की प्रॉपर भाई क्वेश्चन बाई क्वेश्चन पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम प्रोवाइड करने का प्रयास करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात करें भाई मैथ्स में, सीधे सीधे भाई पिछले साल का पैटर्न रिपीट हुआ, 30 नंबर यहाँ से आए, लगभग 35 से 40 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। रीजनिंग में 65 नंबर का पूरा वेटेज आपका मैथ और रीजनिंग का रहा है। साइंस में लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आए हैं और बाकी पूरे क्वेश्चन आपके यहाँ पे देखने को मिल गए आपका हिस्ट्री पॉलिटी वगैरह से। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको इकोनॉमिक में लगभग 6 से 7 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं मैं आपको बताने वाला हूँ, तो बस वीडियो में अंत तक बने रहिए। इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छे अच्छे बैंक से क्वेश्चन आए थे, तो आपको इकोनॉमिक्स में अगर जीके में स्कोर करना है थोड़ा बहुत, तो आप इकोनॉमिक्स को टारगेट कर सकते हैं। बाकी तो आप देख सकते हैं भाई हिस्ट्री तो इसका कोई अंत नहीं है, पर इकोनॉमिक्स में आप थोड़ा बहुत पढ़ के बैंक वगैरह के रेपो रेट दर वहाँ पे अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। तो बात करें मैथ्स की, तो मैथ में यहाँ पे आप इसको दो बेटे में बांटें, 25 नंबर की पूरी आपकी अर्थमेटिक थी, 5 नंबर का आपका लगभग 3 से 5 नंबर की, और इसको आप और कम कर सकते हो, लगभग 3 नंबर की ही यहाँ पे एडवांस मैथ देखी गई हो, लगभग यहाँ पे 27 नंबर की आपकी अर्थमेटिक थी। पूरा फोकस आपका अर्थमेटिक में किया गया है। पहली शिफ्ट जैसे आप सभी को पता है, व्यापम के कोई भी एग्जाम के पहली शिफ्ट वहाँ पे इजी ही देखने को मिलती, थोड़े वन लाइन क्वेश्चन थे, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन वहाँ पे ज़्यादा देखने को, जो कि वन लाइनर में आंसर आ रहे थे। ऐसे पे रीजनिंग में तो 35 क्वेश्चन यहाँ पे देखे गए हैं और आपका साइंस में 10 से 12। तो मैथ्स में जो टॉपिक आए थे यहाँ पे सीआई से भाई यहाँ पे लगभग 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल गया था। नंबर सिस्टम से भाई 2 क्वेश्चन देखने को मिल गया था। आयु से क्वेश्चन आया था, आयु से यहाँ पे 2 क्वेश्चन देखने को मिल गए थे। प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन आया था, 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल गया था। उसके बाद प्रतिशत से क्वेश्चन आया था, 1 क्वेश्चन यहाँ पे 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल गया था। 2D 3D से क्वेश्चन आया था, यहाँ पे आपका एक वर्ग पूछा था एक में, और एक में आयतन पूछा था, ठीक है। तो यहाँ पे 2 ही क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिले थे आपके एडवांस से, बाकी तो पूरा आपका अर्थमेटिक में फोकस किया गया है। टाइम एंड वर्ग से क्वेश्चन था। उसके बाद भाई यहाँ पे समय दूरी से क्वेश्चन आया था। सरलीकरण से यहाँ पे 5 क्वेश्चन तक देखे गए हैं। तो 4 से 5 क्वेश्चन आपको बोर्डमास से आपका सिंप्लीफिकेशन वाले टॉपिक से आ गया था। विभाजकता से क्वेश्चन आया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अनुपात से 2 क्वेश्चन देखने को मिल गया था, और एलसीएम एचसीएफ से यहाँ पे एक क्वेश्चन आया था, ठीक है, एलजीएम वाले टॉपिक से यहाँ पे एक क्वेश्चन आया था। तो पूरी आपकी जो मैथ्स है अर्थमेटिक में ज़्यादा फोकस किया गया, आपके पूरे अर्थमेटिक के टॉपिक तैयार हैं, तो आपका एग्जाम अच्छा चला गया होगा। एडवांस में थोड़ा कम ही फोकस करें, आपका आने वाले दिनों में एग्जाम है, तो पूरा भी अर्थमेटिक को फोकस किया जा रहा है। बात करें यहाँ पे रीजनिंग की, तो रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग से यहाँ पे क्वेश्चन आ गया था, लगभग 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल गया था। नंबर सिस्टम नंबर सीरीज से क्वेश्चन आया था, 4 क्वेश्चन थे यहाँ पे पूरे। इनइक्वालिटी से यहाँ से क्वेश्चन नहीं, रैंकिंग से भाई यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिल गया था, आपकी रैंकिंग इस टाइप से आई थी, ऊपर से नीचे की तरफ जमाना था, इस टाइप से रैंकिंग आई थी, ठीक है। अल्फाबेटिकल सीरीज से यहाँ पे आए थे क्वेश्चन, अल्फाबेट से यहाँ पे 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल गया था। पेपर कटिंग से क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन देखने को मिल गया था। सेटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन था, यहाँ पे एक क्वेश्चन था, और यहाँ पे था एक और क्वेश्चन, ब्लड से क्वेश्चन था, ब्लड रिलेशन, और दर्पण से यहाँ पे 5 से 6 क्वेश्चन दर्पण से पूछने को मिल गए थे। तो आप देख सकते हैं रीजनिंग के कुछ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, कुछ जैसे कि आपका कोडिंग डिकोडिंग हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, दर्पण हो गए, अल्फाबेटिकल सीरीज होते हैं भाई, इन टॉपिक को ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, तो इन टॉपिक को आप ज़्यादा थोड़ा बहुत रिवाइज करके रहें, आपका एग्जाम बहुत बढ़िया जाने वाला है, ठीक है। आगे बात करें यहाँ पे साइंस की, तो साइंस को आपको पता है 3 सेक्शन में यहाँ पे क्वेश्चन आए थे, ठीक है, आपका बायो फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो बायो से भाई यहाँ पे सीधे बायो से यहाँ पे 6 से 7 क्वेश्चन देखने को मिल गया था, और लगभग 2 क्वेश्चन फिजिक्स से था, और 3 क्वेश्चन यहाँ पे केमिस्ट्री। ऐसे 10 से 12 नंबर की यहाँ पे साइंस पूछी गई है, तो आप देख सकते हैं भाई साइंस का वेटेज लगभग 15 नंबर का आता था प्रीवियस ईयर के हिसाब से, यहाँ पे लगभग 10 से 12 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और आगे बात आती है आपकी जीके जीएस की, तो जीके जीएस में यहाँ पे जीके की बात करें तो यहाँ पे नदियाँ, स्टैटिक की नदियाँ आई, भारत की नदियों के बारे में पूछ लिया गया था, ठीक है। उसके आगे बात करें नृत्य से क्वेश्चन था आपका, यहाँ पे करंट से यहाँ पे एक ही क्वेश्चन था,
करंट अफेयर से दो क्वेश्चन था, एक यूएई की कोई महिला के बारे में पूछ लिया गया था जो भी करंट में चर्चा में है। क्वेश्चन मेरे पास पहुंचा नहीं तो आपको बता देता। यहाँ पे जो भाई इकोनॉमिक में 6 से 7 क्वेश्चन आए हैं, आप पूरे पूरे देख सकते हैं, पूरे बैंक के रेपो रेट दर SLR क्या होता है, ठीक है, आपका जो रेट होते हैं बैंक के वो क्या होते हैं, बैंकों की स्थापना से भी क्वेश्चन था, तो बैंकों की स्थापना कब हुई थी, इस टाइप से क्वेश्चन था, राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो बैंकों के थोड़े बहुत क्वेश्चन आप इकोनॉमिकल आपका थोड़ा बहुत अगर अच्छा है पोर्शन उनको रिवाइज करके आप यहाँ पे अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। आगे बात करें हिस्ट्री से, तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन देखने को मिल गया था। एक क्वेश्चन था यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता से, हड़प्पा सभ्यता से भाई यहाँ पे 3 से 4 क्वेश्चन हड़प्पा सभ्यता से पूछे गए थे, और आपका गुप्तकाल से यहाँ पे 2 क्वेश्चन आ गया था। तो आपका अगर एग्जाम है तो भाई यहाँ पे इन टॉपिक को फोकस कर सकते हैं, कहीं ना कहीं भाई यहीं से आपके इर्द गिर्द यहाँ पे हिस्ट्री को थोड़ा जोड़ा जाएगा, ठीक है। आगे बात आती है यहाँ पे एमपी की, तो एमपी में भाई जैसा कि आपको पता है एमपी का वेटेज आप एमपी में 3 से 4 नंबर का देखा गया अभी कॉन्स्टेबल ने, पिछली बार भी कुछ इसी टाइप का वेटेज था। उसकी आगे बात आती है आपका इकोनॉमिकल हो गया, करंट अफेयर हो गया, एमपी जी के हो गया। तो ये था भाई पूरा का पूरा वेटेज एमपी पुलिस कॉन्स्टेबल 12 अगस्त की सेकंड शिफ्ट का, कैसा रहा जरूर बताइएगा। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसकी PDF और जो मेरे पास क्वेश्चन पहुंचे उनकी PDF मैं आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करने का प्रयास करूंगा। स्टडी पॉइंट ब्लॉग बनकर आपको टेलीग्राम मिल जाएगा, इन टॉपिक को बार बार रिवाइज करें आपको अपनी शिफ्ट में बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। मैं आपको सभी शिफ्ट जो आपकी 1, 2, 3 तीनों शिफ्ट होंगी, तो तीनों शिफ्टों का नेचुरल आपको डेली मैं रात में प्रोवाइड कर दूंगा इसी चैनल पर, तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अगर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। तो मिलते हैं भाई अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।